हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज का वीडियो कुछ इस प्रकार का कि आज हम लोग जाने वाले हैं घर, बट फ्लाइट कल की है। तो आज हम लोग पहले ही एक दिन पहले ही निकल रहे हैं, वो भी नाइट टाइम के। कितना टाइम और आपको अभी बताते हैं। हम यहाँ पे 10 करीब बज रहे हैं और अपन मॉर्निंग टाइम की फ्लाइट है 8:30 पे। तो पहले यहाँ से अपन बेंगलोर से मुंबई जाएंगे, फिर वहां से कहाँ जाएंगे आप लोग को वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर आल्सो कमेंट्स। मेरे साथ मेरा भाई जा रहा है, तो वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, ये रहा लगेज, अपन लोगों ने पैक कर लिया। एक ट्रॉली बैग, एक ट्रॉली बैग और एक ये पिट्ठू बैग और एक ये रहा पिट्ठू बैग। तो अपन लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। चलिए अभी कैब बुक करते हैं और फिर जो भी होगा रास्ते में आपको बताता हूँ। सो फाइनली गाइस, रेडी हो चुके हैं और चलिए चलते हैं। सो गाइस, ये वाला भाई अभी नहीं जा रहा है और मैं और मेरा छोटा वाला भाई जा रहा है। ये वाला भाई यहीं रुकेगा अभी, क्योंकि अपन लोग रिटर्न भी होंगे ना, तो कुछ मिलते हैं 1 महीने बाद। एक महीने बाद जो भी जैसा भी होगा तो बताएंगे। चलिए चलते नीचे, कैब वाले भैया को मैंने कर दिया बुक। सो गाइस, अभी निकल रहे हैं अपन लोग। ठीक है, अच्छे से है ना? टाइम अभी देख सकते हो 10 बज रहे हैं। ओला वाले भैया का वेट है, वहाँ की कुछ इस तरह पीजी नाइट का। तो चलिए चलते हैं आगे, जैसा भी होगा दिखाया जाएगा। आ गए ओला वाले भैया, चलिए चलते हैं। ठीक है मानसु, अच्छे से रहना, फोन करना जैसे होगा ना। ओके बाय, है ना, मैं फोन करूंगा पहुंच के। बाय बाय, चाबी रख लिए ना? ओके। सो गाइस, अभी निकल चुके हैं, देख सकते हैं टाइम 10 बज चुके हैं और बुरा भी फील हो रहा है क्योंकि एक भाई को इधर ही छोड़ के जाना पड़ रहा है और कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए अपन लोग को निकलना पड़ रहा है। और वो फ्लाइट है कल की, अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट। जैसा भी होगा आप लोग को दिखाया जाएगा और यहाँ पर ट्रैफिक तो हमेशा लगी रहती है। सो फाइनली गाइस, एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं और अपन को जाना है टर्मिनल 1। तो चलिए दिखाते हैं जैसा व्यू रहता है। सो गाइस, आ चुके हैं बेंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल 1। अभी आपको अंदर से दिखाते हैं, बाहर से भी दिखाते हैं जैसा ये रहा व्यू बेंगलोर एयरपोर्ट का बाहर से, काफी अच्छा नजारा है गाइस। चलिए अब उतरते हैं और चलते हैं। सो गाइस, फाइनली अपन लोग एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है, लेकिन वेट बहुत करना पड़ रहा है। अपन लोग की फ्लाइट है 8:30 की, अभी बज रहे हैं 11। पूरा 9 घंटे करना पड़ेगा वेट, तो करते हैं, क्या करें, दूर है यहाँ से एयरपोर्ट। जैसा भी होगा आप लोग को दिखाएंगे बीच बीच में। सो फाइनली गाइस, बहुत टाइम हो चुका है बैठे बैठे, अभी टाइम हो रहे हैं 4 बज चुके हैं और फ्लाइट है 8:30 की, वेट करते हैं और क्या करेंगे। फाइनली गाइस, बस में बैठ चुके हैं और देख सकते हो प्लेन वगैरह इधर खड़े हैं। सामने वाली सीट में भाई है और यहाँ से भी बहुत से लोग आ रहे हैं। देख सकते हो फाइनली गाइस, चल चुका है ये बस, हम प्लेन के पास लेके जाएगा। इंडिगो वाला प्लेन है अपना यहाँ पे और देख सकते हो कितने सारे प्लेन खड़े हुए हैं। देखते हैं किधर है अपना प्लेन, आई थिंक ये आगे ही। बस इतने पास के लिए था क्या? ये रहा इंडिगो, हाँ शायद यही है, मे बी, कंफर्म नहीं। ये फिर और आगे भी हैं, काफ़ी सारे प्लेन ही प्लेन इधर देख सकते हो।
कैसा लग रहा है वीडियो गाइस कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ और प्लेन ही प्लेन है आगे भी, तो चलिए पास से दिखाते हैं। सो फाइनली गाइस ये देख सकते हैं पास से, और अपन को इधर चलना है, इधर साइड चलते हैं अंदर और दिखाते हैं जैसा भी व्यू रहता है। गाइस ऐसा रहा वेदर और अपन को इधर से जाना है ऊपर, और जैसा भी व्यू रहता आपको दिखाते हैं। सो फाइनली गाइस अपन लोग चल रहे हैं अंदर की ओर, और भाई ये रहा। सो गाइस विंडो साइड मिल गई है, एक भैया ने दे दिया है, और चलिए दिखाते हैं व्यू जैसा भी रहे। सो गाइस बैठ चुके हैं, और ये एसी के वेंट्स ऊपर है, कंट्रोलर एसी के लिए, और सभी कोई बैठ चुके हैं सामने देख सकते हो, और वेट करते हैं चलने की फिर दिखाते हैं। सो गाइस अभी 20 मिनट बचे हुए हैं टेक ऑफ करने के लिए, और ये विंग्स देख सकते हो आप पास से, देख सकते हो कितनी बड़ी प्लेन रहती है। आप डायरेक्ट आपको टेक ऑफ की वीडियो दिखाते हैं। उड़ान के दौरान कुर्सी की रीडिंग बांधे रखें, कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क अपनी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे सो गाइस मैंने अभी कोक ख़रीदा है, ये 100 रुपये का एक है,
और एक अमन के लिए भी लिया है 200 का टोटल। खाना वगैरह कुछ खा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर खाऊंगा।
देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो गाइस ऑटो में बैठ चुके हैं, अगर आते ही मुंबई में गर्मी चालू है। अभी अपने एरिया में जाएंगे ना सतना में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, 13-14 डिग्री, हाँ इससे कुछ ठंड पड़ती है। अब आके मुंबई का नज़ारा तो आप लोग को दिखा ही दिया हूँ फ्लाइट से ऊपर से, और यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत जो होगा वो भी दिखा दूँगा। और चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ जो कि है मुंबई टू जबलपुर फ्लाइट। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।